अभी वो लौट आया है। हाँ, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने अरसल को सब कुछ बताया है ना? भाभी सबको बता दिया है, और अरसल भाई को तो पहले से ही पता था, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, बार बार कॉल्स कर रहा है। हाँ तो तुम उसकी कॉल मत पिक करो ना। भाभी अलग अलग नंबर से कॉल्स कर रहा है। तो तुम अपना नंबर चेंज कर लो। भाभी क्या है, कितनी छोटी सी गलती इंसान को इतना बेबस कर देती है कि वो एक बंद गली में आकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं इत्तबार करने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या अगला शख्स इसके काबिल भी है या नहीं। और ताबिश जैसे लड़के, वो तो हर वक्त लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि एक आम सा लड़का, आम सा बैकग्राउंड और इतना बेखौफ। इसलिए कि उसे कुछ खोने का खौफ नहीं। इज्जतदार आदमी के लिए इज्जत सबसे कीमती होती। लेकिन ताबिश, वो तो एक मवाली और गली का गुंडा है, उसे क्या इज्जत की फिक्र। थुबा, तुम मुझे अगर अपना बड़ा समझती हो तो बेटा मेरी बात मान लो। तुम्हारे माँ बाप जहाँ तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं उनकी बात मान लो, शादी कर लो, और इस तरह तुम ताबिश से बची रहोगी, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े। खैर बिगाड़ तो वो अभी भी कुछ नहीं सकेगा। लेकिन भाभी उसके पास मेरा एक वीक पॉइंट है, वो कभी भी मेरे हस्बैंड को कॉल करके उसको सब बता सकता है। बस इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि जब तक मैं हैदर को ताबिश के बारे में नहीं बता दूंगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी।